सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 12 समुच्चय बोधक अव्यय पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो अव्यय और पढ़ाया है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक का अर्थ होता है शमु का बोध कराने वाले, है ना, शमु का बोध कराने वाले। तो यह शमु क्या है? शमु अर्थात शब्दों का सार्थक समूह, जिसको कि हम वाक्य कहते हैं, है ना। तो एक वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य हो सकता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उपवाक्य। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ उपवाक्य, है ना। मान लीजिए कि यदि तुम चाहो, है ना, अभी दो को छोड़ देके अच्छे बन सकते हो। तो यहाँ पे यह एक वाक्य है, ठीक है। तो ये पहले तो ये पूरी लाइन एक पूरी वाक्य थी, लेकिन यहाँ पे ये तो जो शब्द आया है ना, इन वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। क्योंकि समुच्चय का अर्थ क्या होता है? शब्द को जोड़ना। इसे ही हम क्या कहेंगे?
करते हैं। दूसरा है भेद। जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। कौन कौन से देखिए, पहला है संयोजक, ठीक है, संयोजक। दूसरा है विकल्प, तीसरा है विरोधक और चौथा परिणाम। तो सबसे पहले हम संयोजक समझते हैं। संयोजक किसे कहेंगे? जो समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द है दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने जोड़ने के काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजक। वे संयोजक, वे समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने के अर्थ में उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जैसे उदाहरण में देखिए, प्रतिभा और सुकृति, प्रति भी विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिभा और सुकृति को और जो शब्द दिया हुआ है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कि दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। तो इसलिए क्या होगा? संयोजक शब्द, ठीक है। संयोजक अर्थात जोड़ने का काम, जहाँ पे जिन वाक्यों में जोड़ने का बोध हो रहा हो, जिन शब्दों के द्वारा जोड़ने, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा जोड़ने का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजक शब्द। दूसरा है विकल्प। विकल्प क्या कहेंगे? जो समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को विकल्प के अर्थ में लेते हैं या प्रयोग करते हैं या बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जैसे उदाहरण में देखिए, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। यहाँ पे विकल्प है कि अगर परिश्रम करोगे तभी पास होगे, है ना। इसके अलावा कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, मेहनत करने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जहाँ पे विकल्प का बोध हो रहा है, विकल्प शब्द का बोध हो रहा हो, वहां पे क्या होगा? विकल्प समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होगा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो उसके पास क्या विकल्प है? परिश्रम करने का। क्या किसका विकल्प है? परिश्रम करने का ही विकल्प है कि परिश्रम करेंगे तभी हम क्या होंगे? पास होंगे, अन्यथा क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तीसरा है विरोधक। विरोधक मतलब वाक्यों के भेद प्रकट करते हुए मिलाने का भेद, जहाँ पे बोध हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? विरोधक शब्द। यहाँ पे दो जो शब्द, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को भेद प्रकट करते हुए मिलाने का बोध हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जैसे उदाहरण देखिए, किशोर निर्धन है किंतु ईमानदार है। यहाँ पे ये विरोधक शब्द है कि किशोर निर्धन तो है लेकिन
व्याधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक उपवाक्य को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, शायद और सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं होती। तो इन उपवाक्यों में पाठ पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।